किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई समस्या नहीं था, सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा आपने हमारे जिंदगी में भेजे। वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन उस राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गलियों में घूम रहा था और पेंटिंग्स देख रहा था। वो शानदार पेंटिंग्स थी उसके पूर्वजों की, उसके पिताजी की, दादाजी की, उनके पिताजी की। राजा उन पेंटिंग्स को देखते देखते सोच रहे थे कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, वो देखते चले जा रहे थे। और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गए। उन्हें मालूम था कि यहाँ पे जो पेंटिंग लगेगी वो उनकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाले हैं या मर जाएंगे, मरना तो सबको है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी होगी। राजा सोचने लगे कि मेरी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी है, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी। उनको अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग बने, एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी बीच मैं एक शानदार सी पेंटिंग बनवा लेता हूँ, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ लगेगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया, पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए, शानदार तस्वीर बनाइए, शानदार इनाम मिलेगा। पेंटर्स आए, उन्हें मालूम था कि शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे, राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी। और पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई, राजा गुस्सा हो गए तो सजा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी एक लड़का था, उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का चाहता है, मतलब फांसी में लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, ये क्या पेंटिंग बनाएगा। राजा को भरोसा था, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बना के लाइए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बना के लाने वाला था। दरबार भर चुका था, दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लेके आएगा। और लड़का जब वो पेंटिंग बनाकर लेके आया तो हर कोई ताली बजाने लगा। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो खुश हो गए। राजा ने बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस गलियारे में नहीं है, ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे, लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें पैर दिख रहा था। राजा निशाना साध रहे थे, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। एक आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घोड़ सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया, और इतनी कमाल की पेंटिंग बनी कि वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो भी संकट आ जाए, एक वैक्सीन की डोज हमेशा लगा कर चलिएगा, इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं, और इसकी डोज रोजाना लगानी जरूरी है। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर आप हो, जिस संकट में आप फंस जाएं, जिस भी स्थिति में आप हो, अगर आपने पॉजिटिविटी का वैक्सीन लगा रखा है तो यकीन मानिए, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए और खुश रहिए।